आजमगढ़ में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। संघ के संरक्षक टीपी सिंह, अध्यक्ष आशीष सिंह, संजय यादव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। जनपद के सचिवों के साथ कतिपय प्रधानों द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक कार्यों पर चर्चा, समस्त साथियों के वेतन इंक्रीमेंट आदि विषयों पर चर्चा, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के आईडी पासवर्ड न मिलने पर चर्चा, पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा, साथियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते समय अपने अपने जिम्मेदारियों के प्रति अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा, संगठन की सदस्यता शुल्क एवं प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित संघ के खाता खुलवाने पर चर्चा, अन्य विषय साथियों की अनुमति से चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के संरक्षक टीपी सिंह, अध्यक्ष आशीष सिंह, संजय यादव, प्रशांत यादव, जितेंद्र कुमार, आलोक, कमलेश, अमित मानस, उमाशंकर, संतोष सिंह, विजय यादव, पीएन सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कुमार जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं अनिल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ महामंत्री। हम लोग जब से हम लोग का निर्वाचन हुआ था ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का जब से हम लोग का निर्वाचन हुआ था, उसके बीच में कोई बैठक नहीं हो पाई थी। आज हम लोग एक आपसी सहमति बैठक रखे हैं पूरे ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों का। उस बैठक में जैसे छोटी मोटी जो भी परेशानियां थी, तो उस परेशानियों को लेकर के जैसे वेतन हो गया, इंक्रीमेंट रुक गया, वेतन इंक्रीमेंट को लेकर के हम लोगों ने बैठा यहाँ। जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र की जो आईडी पासवर्ड हम लोग को मिलता है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बात किया। और वो जो जैसे कोई साथियों को छोटी मोटी जैसे ग्राम पंचायतों में प्रधान से या अर्ध क्षेत्र में जो भी परेशानियाँ होती है, उसके लिए हम लोगों ने बैठक किया कि सभी साथी बैठ करके आपसी में बैठक करके बताएंगे कि हमको क्या दिक्कत परेशानियाँ हो रही है, इसीलिए बैठा गया। और भी क्या समस्या है? और कोई ऐसी नहीं, जैसे आपसी सहमति, कोई मतलब धरना प्रदर्शन का नहीं है, जैसे आपसी सहमति का ये बैठक है। बाईसों विकास खंड से हमारे सभी साथी आए, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के सभी साथी बाईसों विकास खंड से।